हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वीके वर्ल्ड। वीके वर्ल्ड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं रेवाड़ी जिले के अंदर सुलखा गांव है, वहां पे आपको लेके आए हैं। और वहां पे एक बहुत सुंदर बुली डॉग है उनके पास, और भैंसा के पास एक 20 दिनों की फीमेल बुली का बच्चा भी है, वो भी आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं, आपको ओनर से मिलाते हैं। आओ तो व्यूअर्स, आपको ओनर से मिलाते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। हाँ, सभी सब्सक्राइब भाई को मेरी तरफ से राम राम। तो भाई साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सत्येंद्र राठी। और भाई साहब, आप कहाँ से हैं वो बताएं, पूरा एड्रेस बताएं। भाई, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, तहसील बावल, गांव सुलखा। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब आपके पास जो बुली डॉग है वो दिखाएं आप हमें। अब साहब ये रहे बुली डॉग। व्यूअर्स देखें, ये है भाई साहब का डॉग, देखें आप। ये बुली उनका डॉग, बुली डॉग इनका, देखें आप। बहुत सुंदर बुली डॉग है ये भी। एक साल और एक दो महीना के पीछे है अभी, और बहुत सुंदर बुली डॉग है। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ये, और थोड़ा सा बस। भाई साहब का डॉग हमने देखा, बहुत अच्छा लगा हमें आपका डॉग। तो भाई साहब, सबसे पहले आप इसका नाम बताएं। आप टाइगर है इसका नाम। अच्छा अच्छा। और भाई साहब, इसके फादर का नाम क्या है और कौन से लाइन से है ये? ये ब्लेड लाइन से है। अच्छा। जादू नाम है इसके फादर का। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी मदर लाइन कौन सी है भाई साहब? पाक इम्पोर्ट है। अच्छा, मदर इम्पोर्ट लाइन से है इसकी। इम्पोर्ट लाइन से। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब, देखो दोनों तरफ से लाइन भी अच्छी है इसकी। और इसकी एज कितनी होगी वैसे? वो भी इसकी एज 13 महीना। अच्छा अच्छा अच्छा। तैयार करके है तो जैसे इसका बॉडी वेट भी अच्छा है, मतलब शरीर में पूरा फिट फाइन है एकदम। तो इसका फूड सिस्टम क्या है, मतलब क्या कुछ देते हो खाने पीने में आप इसको, वो बताओ। इसको सुबह 1.5 लीटर दूध, 2 रोटी। अच्छा। दोपहर में दही। अच्छा अच्छा। फिर शाम को फिर दूध, दही, रोटी। मतलब एक तरह से ये जो घर के अंदर अपने हर चीज़ मिलती है वही देते हो आप? घर की चीज़, पनीर वगैरह। हाँ, मतलब अंडे उंडे का भी। हाँ, मीट माट जैसे अपने लगभग जो घर के अंदर अपनी चीज़ें उपस्थित है, मतलब बाजार कुछ नहीं देते आप इसको इस टाइप का? नहीं नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं। हाँ नहीं नहीं, देखो व्यूवर्स, ये सब चीज़ें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम आए हुए हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा के लोगों की तो सोच है कि घर की जो चीज़ें वही चीज़ वो खाते हैं, बाहर की कोई चीज़ वो प्रेफर नहीं करते। तो वो अपने जानवरों को भी वही चीज़ देते हैं, मतलब उस हिसाब से, मतलब बाहर का कुछ भी अलग से रेडीमेड कुछ भी नहीं देते, जो चीज़ घर के अंदर उपस्थित है वो की वही सब चीज़ देते हैं। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा हमें ये सब सुन के। मैं जैसे बहुत से लोगों से मिला हूं, तो सभी के सभी लोग लगभग कहना, जितने भी अच्छे से बुली लवर्स हैं, जितने भी अच्छे अच्छे बुली को जो मतलब रखते हैं, बुली ओनर्स हैं जो भी, तो सभी के सभी यही खाना देते हैं लगभग। सबका सेम ही है खाना लगभग, दूध दही छाछ जो भी अपने घर के अंदर चीज़ें हैं वो की वही है। वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है, देखो हम भी इसको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, और इससे डॉग अच्छा रहता है। मतलब डॉग को, मतलब कोई अभी आपके सामने डॉग है, आप देखेंगे तो इसमें आपको कोई कमी नहीं लगेगी, मतलब हर तरफ से फिट है। साथ में बच्चा भी देख लें आप, उसको भी वही चीज़ मिल रही है अभी, मतलब दूध दही पनीर दे रहे हैं उसको, वो भी कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है, एफर्ट नहीं है कोई इसको फीड वगैरह देना और कुछ देना, और ये सब गलत चीज़ें हम भी नहीं मानते सब अभी भी। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब वो चीज़। तो भाई साहब, जैसे अपने इसको आप एक्सरसाइज के बारे में बताएं, वर्जिश वगैरह क्या कुछ करवाते हैं इसकी आप? वर्जिश कम से कम 4-5 किलोमीटर रनिंग। अच्छा, सुबह के टाइम? सुबह के टाइम, शाम को एकदम, शाम को थोड़ी कम। अच्छा, घुमा फिर सुबह 5 किलो रनिंग, 5 किलोमीटर। तो मतलब उसको किस पे रनिंग कराते हैं, जैसे बाइक पे कराते हैं या पैदल जैसे अपने रनिंग करते हो खास? कच्चे रास्ते में बाइक के साथ भी भाग लेता है वैसे, नॉर्मल स्पीड पे, मतलब 8-10 की स्पीड पे। हाँ, 8-10 की स्पीड पे बाइक के साथ साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखो यही है जैसे, और एक बात और व्यूवर्स, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप रनिंग करें अपने डॉग को तो कच्चे रास्ते पे करें, और बुली डॉग को रखें तो भी कच्चे रास्ते पे रखें। देखो भाई साहब का आपको पूरा प्लॉट दिखा देते हैं एक बार, हम पूरा प्लॉट आपको पूरा दिखा देते हैं। देखो एकदम कच्चा है, मिट्टी वाली जगह एकदम, इसी के अंदर बुली डॉग को ये जगह चाहिए। देखो आपने अगर पक्की जगह पर रखा तो इसके पैर खराब हो जाएंगे, क्योंकि लार्ज ब्रीड सभी के खराब होंगे, इसके नहीं, सभी लार्ज ब्रीड के जो भी ऊंची हाइट के जो डॉग होते हैं, जो भी ब्रीड्स होती है, सभी के पैर खराब हो जाएंगे। तो भाई साहब बहुत अच्छी तरह से आप जैसे आप अच्छा इसको समय दे पा रहे हैं, और डॉग भी आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है, और हमारे सभी व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आएगा डॉग में। देखो एक साल का पूरा पूरा जवान डॉग है ये, और इसी के एक साल का बुली इस टाइप का होता है, और अभी इसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब अभी तो खुद, मतलब एक आपको मैं बताऊँ तो जवानी के फर्स्ट स्टेप पे आई है अभी, अभी तो बहुत इसको स्टेप, मतलब ये तो अभी आधे से आधा डॉग है। अभी जब हम अगली बार साल भर बाद इसकी वीडियो बनाने स्पेशल वापस आएंगे, तब आपको ये डॉग दिखाएंगे, तब और आज में दिन रात का फ़र्क होगा। ये डॉग तब तक बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, पूरा बॉडी वेट भी बहुत अच्छा कर लेगा। तो भाई साहब आपने बहुत अच्छी तरीके से सेवा करके इसकी। तो भाई साहब जैसे आपसे बहुत सारे हमारे भी और भी सवाल है,
जैसे भाई साहब हमारा सबसे मेन सवाल आ रहा है, बहुत सारे ब्रीड्स हैं, तो आपने बुल्ली ब्रीड क्यों रखा? ये मैंने अपने दोस्त के पास देखा था, बुल्ली बहुत ही शांत कुत्ता है, घर में आराम से रहता है, नहीं बच्चे को कुछ कहता है। अच्छा, बच्चे भी साथ खेल लेते हैं इसके, किसी को कुछ नहीं कहता, वैसे बहुत शांत प्रिय कुत्ता है, फैमिली में रह सकता है। वो तो भाई साहब बहुत अच्छी बात लगी, मतलब वो तो है ही, मतलब ये बाकी सब ब्रीड से तो अच्छा ही। देखो हाँ। और भाई साहब जैसे इसका आप सिक्योरिटी पाते हैं अपने, सिक्योरिटी किस टाइप की बोली गई ये बताएं? सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है इसकी, किसी को भी अंदर नहीं आने देता अनजान आदमी को। और घर में जैसे छोटे बच्चे हैं उनके साथ कैसा है इसका व्यवहार? किसी को कुछ नहीं कहता, बच्चे खेलते हैं इसके साथ आराम से। हाँ, अभी देख ही पा रहे हैं जैसे ये बच्चा अभी साथ में बैठा है इसके, और ये इसके साथ ही रहता है 24 घंटे, आपको ये वीडियो में दिखा भी देते हैं हम। तो देखें व्यूवर्स, अभी ये इसका व्यवहार देखें, ये बच्चा इसके साथ है अभी ये घर में, मतलब एकदम देखो इसके, मतलब कहीं पे मुंह पे हाथ लगा रहा है, इसके दांतों में भी हाथ लगा लेगा, ये हर जगह इसके हाथ लगा रहा है, इसको कभी नहीं काटेगा। तो ये बहुत से लोग है ना गलत भावना फैलाते हैं कि बुल्ली है ना काटता है, ऐसा बुल्ली कभी नहीं होता। बुल्ली एक फैमिली मेम्बर डॉग है, मतलब आपके फैमिली के लिए बुल्ली बहुत ज़्यादा वफादार रहता है हमेशा, तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा बुल्ली डॉग के साथ। ये देखो आपके सामने, देखो हाथ उसमें ला रहा, देखें आप देख सकते हैं एकदम इसका व्यवहार देखें, मतलब अपने फैमिली के साथ एक नंबर व्यवहार है। तो ये देखो एकदम गार्डिंग, इसकी गार्डिंग बहुत चुस्त है ये, और बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग है, और फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा वफादार है, बहुत लॉयल है ये फैमिली के साथ। तो बहुत से लोगों ने ये बातें फैला रखी है कि ना बुल्ली ना बच्चों को काटता है, फैमिली को काटता है, ये सब बकवास बातें हैं। जो चीज़ आप आंखों से देखो हमेशा उसी पर विश्वास करो। मेरा ये चैनल बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, अभी बात को कोई दूसरा दिख गया, कोई गली में दूसरा डॉग दिख गया, बहुत एग्रेसिव हो रही है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है उस पर। तो देखिए व्यूवर्स, अभी ये इसका व्यवहार देखें, बच्चा इसके साथ है अभी ये घर में, मतलब एकदम देखो इसके, मतलब कहीं पे मुंह पे हाथ लगा रहा है, इसके दांतों में भी हाथ लगा लेगा, ये हर जगह इसके हाथ लगा रहा है, इसको कभी नहीं काटेगा। तो ये बहुत से लोग है ना गलत भावना फैलाते हैं कि बुल्ली है ना काटता है, ऐसा बुल्ली कभी नहीं होता। बुल्ली एक फैमिली मेम्बर डॉग है, मतलब आपके फैमिली के लिए बुल्ली बहुत ज़्यादा वफादार रहता है हमेशा, तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा बुल्ली डॉग के साथ। ये देखो आपके सामने, देखो हाथ उसमें ला रहा, देखें आप देख सकते हैं एकदम इसका व्यवहार देखें, मतलब अपने फैमिली के साथ एक नंबर व्यवहार है। तो ये देखो एकदम गार्डिंग, इसकी गार्डिंग बहुत चुस्त है ये, और बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग है, और फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा वफादार है, बहुत लॉयल है ये फैमिली के साथ। तो बहुत से लोगों ने ये बातें फैला रखी है कि ना बुल्ली है ना बच्चों को काटता है, फैमिली को काटता है, ये सब बकवास बातें हैं। जो चीज़ आप आंखों से देखो हमेशा उसी पर विश्वास करो। मेरा ये चैनल बनाने का मेन उद्देश्य क्या है, अभी बात को कोई दूसरा दिख गया, कोई गली में दूसरा डॉग दिख गया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है उस पर काटो काटो। वैसे अभी आपसे आखिरी सवाल, हमारा जैसे यूट्यूब पे चैनल है बिकेवल नाम से, जैसे हम ये काम करते हैं कि बुल्ली ब्रीड को आगे लेके जाना, तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, धन्यवाद भाई साहब का बहुत बहुत। ये बुल्ली नस्ल बहुत ही अच्छी है, आप इसको नाम दे रहे हो, अभी तक नाम इतना है नहीं बुल्ली का, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो इसको आप आगे बढ़ा रहे हो चैनल को, और जो बुल्ली को इतना नाम दे रहे हो, वैसे बहुत अच्छा कुत्ता है हर चीज़ में, पालतू भी है, घर में भी रख सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, और जैसे और ब्रीड से इसको अच्छा बताते होंगे आप, ये बताओ। और ब्रीड से काफ़ी अच्छा है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी रखे बुल्ली रखे, बहुत अच्छा डॉग है। ज़रूर ज़रूर, देखो आप अपनी वीडियो देख के, अगर मेरे हिसाब से अगर किसी एक आदमी ने भी बुल्ली रख लिया तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो व्यूअर्स देखो, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम बुल्ली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये भारत की नस्ल है, भारत की नस्ल को हम प्रमोट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो हम चाहते हैं कि जो भी आप डॉग लवर हो, अगर आपको कभी डॉग रखना हो तो आप बुल्ली डॉग ही रखें, क्योंकि दूसरी ब्रीड आप रखेंगे तो उसमें बहुत तरीके की आपको बीमारियां देखने को मिलेगी, बुल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं, बुल्ली एक मजबूत डॉग है। तो हम चाहते हैं कि जब भी आप कोई भी डॉग रखें तो बुल्ली डॉग रखें, वो एक देसी नस्ल है, भारत की नस्ल है, और अपने एरिया की नस्ल है, और हर चीज़ में अच्छी लगती है नस्ल। तो अब अपने इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। राम राम जी, जय हिंद। राम राम।